देखें, अभी हम बात करेंगे विवर्तन की प्लेट्स अर्थात टेक्टोनिक प्लेट्स। इनका संबंध प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से है अर्थात प्लेट टेक्टोनिक थियरी। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो पूर्णतः वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, और यह सिद्धांत भू आकृति विज्ञान के साथ साथ भूगोल के सभी पहलुओं को समझने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायक है। जहाँ तक इन प्लेट्स का सवाल है, इससे पहले दो शब्द हमारे पास हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, या इस सिद्धांत को हमने नाम दिया प्लेट टेक्टोनिक। तो प्लेट से तात्पर्य है अ लार्ज स्लैब ऑफ लिथोस्फीयर, स्थल मंडल का एक बड़ा टुकड़ा। वास्तव में भूगर्भिक ऊष्मा के उत्सर्जन के कारण लिथोस्फेरिक पार्ट या क्रस्टल पार्ट, जिसको हिंदी में स्थल मंडल या भूपरपटी कहते हैं, वो विखंडित अवस्था में है। और ये विखंडित भाग प्लेट है। प्लेट शब्द का सबसे पहले उपयोग कनाडियन जियोफिजिस्ट यानी कनाडा के भू भौतिक शास्त्री जेटी विल्सन ने किया था। जे टूजो विल्सन के नाम से आप जानते हैं, उन्होंने किया था। और ये प्लेट्स जो हैं, लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स हैं, लिथोस्फीयर के ठीक नीचे स्थित दुर्बलता मंडल एस्थेनोस्फीयर जो अर्ध तरल अवस्था में है, मैग्नेटिक पार्ट है, जिसका तापमान 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो तरल अर्ध तरल मैग्मा के रूप में है, उसके ऊपर ये तैर रही है। ये प्लेटें क्या हो रही है, तैर रही है। और उस दुर्बलता मंडल में, एस्थेनोस्फीयर में, अत्यधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं जो भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा असीमित मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहे हैं। और वो ऊष्मा जब बाहर की तरफ लिबरेट हो रही है, बाहर की तरफ स्थानांतरित हो रही है, तो समूहनी तरंगों के रूप में चल रही है, लाइक कॉन्वेक्शनल करेंट, और भूपरपट्टी के निचले भाग से टकराकर अर्थात स्थल मंडल के निचले भाग से टकराने के पश्चात वो जो समूहनी तरंग चल रही है, वो कहीं उनका जो संचलन है सतह के ठीक नीचे कॉन्वेक्शनल टाइप, कहने का मतलब कहीं कन्वर्जेंट मोशन कर रही है तो कहीं डाइवर्जेंट, कहीं अभिमुखी संचलन कर रही है तो कहीं अपसरण, एक दूसरे से दूर जा रही है, जिसके कारण इन प्लेटों में संचलन हो रहा है। और जहां जहां ये प्लेट मार्जिन्स बनती है, जैसे अभिमुखी संचलन हुआ तो प्लेटें आपस में टकराएंगी, तो प्लेट मार्जिन्स बनेंगे, वहां भी दूर जाएंगी तो टूटेंगी, तो वहां प्लेट मार्जिन्स बनेंगे। तो इस प्लेटों के संचलन के कारण लिथोस्फेरिक पार्ट में, यानी जो स्थल मंडल का भाग है, इसमें तीन प्रकार के प्लेट किनारों का निर्माण होता है, विनाशात्मक प्लेट किनारे यानी डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, संरचनात्मक प्लेट किनारे कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन, तीसरा आएगा यानी संरक्षित प्लेट किनारे। और इन्हीं प्लेट किनारों के सहारे भूगर्भ की असीमित ऊर्जा निकलती है, और इस भूगर्भिक ऊर्जा ने पृथ्वी, इस ऊर्जा की अभिव्यक्ति कैसे करती है, भूकंप तथा ज्वालामुखी के रूप में। अगर ये ऊर्जा नहीं निकलती तो क्या होता, इसका उत्तर ये है कि अगर ये ऊर्जा नहीं निकलती, मेरा कहने का तात्पर्य कि यदि पृथ्वी इस ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं करती ज्वालामुखी भूकंप के माध्यम से या टेक्टोनिक प्रक्रिया के माध्यम से कह सकते हैं, तो एक दिन पृथ्वी ब्लास्ट हो जाएगी। तो जितने भी ये प्लेट मार्जिन्स बन रहे हैं, प्लेटों के किनारे बन रहे हैं, इनके कारण भूगर्भिक क्रियाएं तो संपादित हो रही हैं और विभिन्न प्रकार के स्थल रूप में विकसित हो रहे हैं, प्राथमिक द्वितीयक, प्राथमिक श्रेणी के उच्चावच और द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच, तृतीयक श्रेणी के उच्चावच इनके निर्माण के बाद विकसित होते हैं। तो इन टेक्टोनिक प्लेटों का क्या है, काफी महत्व है। इन टेक्टोनिक प्लेटों का काफी महत्व, यानी विवर्तन की जो प्लेट हैं, इनका काफी महत्व है। अब हम बात करें ये दो शब्द पर,
प्लेट जिसे कह दिया स्लेव अभिवर्तनकी का मतलब होता है, ये लैटिन भाषा के शब्द टेक्टोनिक से लिया गया शब्द टेक्टोनिक, और ग्रीक भाषा के शब्द से भी लिया गया टेक्टोनिकस। ग्रीक भाषा में मूल लिपि में लिखा गया जिसका मतलब है पर्टेनिंग टू बिल्डिंग यानी निर्माण संबंधी। तो जितनी भी प्रक्रियाएं हमारे ऊपर आप देख रहे हो पृथ्वी के ऊपर, जो स्थल हैं, कहने का तात्पर्य जो महाद्वीप है और ओशन बेसिन है, महाद्वीपों के ऊपर या महासागरों के अंदर जो संरचनाएं, जैसे महाद्वीप के ऊपर पर्वत पठार भ्रंश घाटियां जो द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच हैं, सागर नितल में जाते हैं तो द्वीप हैं, द्वीप चाप हैं, महासागरी खाइयां हैं। द्वीप चाप मतलब आग जो होते हैं इस तरह से वक्राकार, कटक हैं। इन सब का निर्माण प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण ही हुआ है, प्लेटों के विवर्तन के कारण, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अब देखो यहाँ जो हम पहले अब बात करने जा रहे हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, तो ये कितनी हैं, कितने प्रकार की हैं और कहाँ ये स्थित हैं, तो आज मौलिक रूप से इनकी स्थिति की हम बात करेंगे। लेकिन कितने प्रकार की हैं, तो जब प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया 1960 के दशक में वैज्ञानिक समूहों के द्वारा, जिसमें अनेक भूभौतिक शास्त्री हैं, जेटी विल्सन है, जॉन मॉर्गन है, पाइसोन है, ओलविन है, हैरी हैस है, बड़ा नाम हैरी हैस है, मूर्स हैं, वाइन हैं, वेलेंटाइन हैं, डल रिम्पल हैं, डीज हैं, डोयल हैं, ये सारे भूभौतिक शास्त्री जो इस पर काम कर रहे हैं। तो एक वैज्ञानिक समूह के द्वारा जब प्रतिपादन किया गया तो शुरू में बताया गया, जहाँ जो वर्गीकरण किया गया प्लेटों का, तो स्थिति के आधार पर जहाँ जहाँ प्लेटें स्थित हैं मौलिक रूप से दो भागों में बांटा गया, महाद्वीपीय प्लेट यानी स्थलीय प्लेट और महासागरीय। लेकिन बाद में देखा गया अधिकतर प्लेटें जो हैं महासागर और महाद्वीप को भी क्या कर रही है, आच्छादित करती है, तो मिक्स प्लेटें आ गई, कहने का मतलब मिश्रित प्लेटें। फिर इसके बाद जब इनकी संख्या की बात हुई तो आरंभ में जब प्लेट विवर्तन की सिद्धांत आया तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अर्थ डिवीजन है पृथ्वी, जिसको हम कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि मूल रूप से 6-7 प्लेटें जो है पृथ्वी पर हैं। लेकिन उसी समय जॉनसन मॉर्गन साहब ने बताया, जो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में अहम भूमिका निभाया था, कि 6 तो मुख्य प्लेटें हैं और लगभग 20 जो हैं छोटी प्लेटें हैं। 1968 में इन्होंने स्पष्ट किया, बातें चलती रही, मतैक्य का अभाव था, कई विद्वानों ने कहा कि नहीं इनकी संख्या जो है हम काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब उपग्रही सूचनाएं हमारे पास आने लगी तो कहीं ना कहीं इस विचार में क्या आ गई, एक साम्यता आ गई। 1995 में आते आते जियोलॉजिकल सर्वे वाशिंगटन डीसी ने कहा कि जो प्लेट्स हैं इसमें से मेजर प्लेटों की ही संख्या 16 है। लेकिन जैसे 2005 से तक आप हम आए, 2005 और 6 यानी कहने के मतलब 2005-06 तक, तो नासा जैसे विशिष्ट वैज्ञानिक संस्थाओं ने कहा कि विश्व में कम से कम 100 से अधिक प्लेटें निर्मित हो चुकी हैं टेक्टोनिक प्लेटें। अब इन प्लेटों को कई वर्गों में विभाजित किया गया, मुख्य प्लेटें यानी बड़ी प्लेटें, तो कहा गया कि मुख्य प्लेटें 7 हैं। सबसे बड़ी प्लेट कौन सी आई, पैसिफिक प्लेट, लगभग 10 करोड़ वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा भाग में क्या है, विस्तृत है। यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो 1998 में दो भागों में टूट गई, और अंटार्कटिक प्लेट। इनमें अगर इस तरह से देखा जाए 7 प्लेटों में, तो साउथ अमेरिका प्लेट छोटी है सबसे बड़ी प्लेटों में, बड़ी प्लेटों में सबसे बड़ी कौन हो गई मेजर प्लेट में, पैसिफिक, और साउथ अमेरिकी प्लेट सबसे क्या है, छोटी है।
लेकिन जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का डिवीजन हो गया है 1998 में, तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्लेटिस मेजर प्लेट जो है 7 के बजाय 8 हो गई और इसमें सबसे छोटी इंडियन प्लेट होगी। अभी अभी कुछ ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर्स जो अनुसंधान कर रहे हैं भूभौतिक शास्त्री, उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलियन प्लेट अब स्पष्ट रूप से दो भागों में विभाजित होने वाली है, कैप्रिकॉर्न में विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार से अफ्रीकन प्लेट का भी डिवीजन होने वाला है। जब आप अफ्रीका के मैप को बहुत ध्यान से देखोगे तो जो महान भ्रंश घाटी है उसका पूर्वी भाग अब लगभग अलग हो गया है, जिसको नाम दे दिया गया सोमालिया प्लेट। तो ये मुख्य प्लेटें हैं, बड़ी प्लेटें हैं, 7 प्लेटों जो जगह दिया गया। और 1998 में जब भारत और ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टूट गई तो दो प्लेट और बन गई, भारतीय प्लेट और ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। क्लियर, सोमालिया का भाग अलग हो रहा है अफ्रीका से, तो अभी आने वाले दिनों में एक नई प्लेट बन जाएगी। तो इन प्लेटों को जैसे कहा गया कि पहली श्रेणी में मुख्य प्लेटों को रखा, बड़ी प्लेटों को, दूसरी श्रेणी में छोटी प्लेट को रखा, स्मॉल प्लेट, जिसको हम नाम क्या दिया, वहां मेजर प्लेट हो गया, ये माइनर प्लेट। तीसरी श्रेणी में माइक्रो प्लेट्स को रखा गया। इन छोटी, बड़ी और छोटी प्लेटों में भी कई छोटी छोटी प्लेट्स हैं। 100 प्लेटें हैं तो उनमें से क्या होगी, छोटी छोटी प्लेटों की संख्या ज्यादा है। और एक चौथी श्रेणी ली गई सब प्लेट की, उप प्लेट्स की। इसके अंतर्गत उन प्लेटों को रखा गया जो निर्माण की अवस्था से गुजर रही हैं, क्योंकि टेक्टोनिक प्रक्रिया तो लगातार चल रही है, विवर्तन की प्रक्रिया लगातार चल रही है। तो ये जो बड़ी प्लेटें हैं और जो स्मॉल प्लेट्स हैं, इनमें लगातार विखंडन का क्या चल रहा है, ये क्रम चल रहा है। तो छोटी छोटी प्लेटें विकसित हो रही हैं, तो माइक्रो प्लेट्स होंगी, लेकिन जब विकास होने की प्रक्रिया से भी गुजरती तो उनको नाम दे दिया गया सब प्लेट्स। जैसे सोमालियन प्लेट बोला कि अफ्रीका से भी अलग हो जाएगी, पर्शियन प्लेट, तुर्की प्लेट और जो चीन की प्लेट है, ये लगभग अलग हो रही है। अब इन प्लेटों को जैसे कह दिया गया कि बड़ी प्लेट हो गई, मुख्य प्लेटें 7 हैं, छोटी प्लेटें हो गई, फिर माइक्रो प्लेट्स आ गई, फिर क्या हो गई, सब प्लेट्स। तो इन प्लेटों की स्थिति कहाँ है, इनको देखना है। तो जब आप मैप देखते हो प्लेटों का, तो कई जगह मैंने देखा कि कन्फ्यूजन है, कई जगह तो मिसप्रिंट है, और कई जगह क्या है कि प्लेट्स को एग्जैक्ट जगह दिखाया नहीं गया। तो मैंने ये कोशिश की है कि जब इन प्लेट्स को आप देखोगे एक मैप पर, तो इसको आप स्पष्ट रूप से समझ जाओगे कौन सी प्लेट कहां पर है। तो देखें, आप चले देखें इन प्लेटों को। ये तो जो ये ब्लू कलर से मैंने किया है कैपिटल लेटर में, ये विश्व की सबसे बड़ी प्लेट, लार्जेस्ट प्लेट ऑफ द वर्ल्ड, या लार्जेस्ट स्लैब ऑफ लिथोस्फीयर, स्थल मंडल का सबसे बड़ा जो विखंडित भाग है, वो किस नाम से हम जानते हैं, पैसिफिक प्लेट, जिसका विस्तार 10 करोड़ वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। यहां और यहां दो जगह आप देख रहे हैं, ये भी क्या है, उसी का भाग है पैसिफिक प्लेट का। ये क्लियर, तो ये हो गई पैसिफिक प्लेट। इसके बाद दूसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ध्यान दें, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट 1998 में दो भागों में विभाजित हो गई, दिसंबर 1998 में दो भागों में विभाजित होगी। तो ये होगी भारतीय प्लेट एंड इंडियन प्लेट, और ये क्या हो गई, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और अभी अभी सूचना मई 2020 की है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी दो भागों में विभाजित हो रही है, एक तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यहां बन जाएगी कैप्रिकॉर्न प्लेट। क्लियर, और ये हो गई अंटार्कटिक प्लेट। तो ये 7 से 8 प्लेट हो चुकी है और विभाजन का क्रम लगातार चल रहा है, क्योंकि भूपटल लगातार हलचलों का शिकार हो रहा है। अब इसके बाद कुछ छोटी बड़ी प्लेटें हैं, तो देखो यहां पर ध्यान दो, ये जो व्हाइट कलर की आप देख रहे हो एक्सप्लोरर प्लेट, माइक्रो प्लेट है, नॉर्थ अमेरिका के पास है। उसके बाद जुआन डी फोका प्लेट, जिस तरह से पैसिफिक प्लेट विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है,
उसी प्रकार से जुआन डी फूका प्लेट को सबसे छोटी प्लेट माना गया, स्मॉलेस्ट प्लेट ऑफ द वर्ल्ड, अर्थात लिथोस्फीयर का सबसे छोटा स्लैब कौन सा हो गया, पार्ट हो गया जुआन डी फूका। वैंकूवर कनाडा के पास है, वैंकूवर द्वीप कनाडा के पास स्थित है वैंकूवर। इसके बाद गोल्डा दिख रहा है आपको, फिर मैक्सिको के पास आगे जो कैलिफोर्निया का बाजा क्षेत्र, बाजा कैलिफोर्निया रिवेरा, इसके बाद कोकोस। अब कोकोस को तो दिया है, लेकिन कोकोस में भी प्लेट का विभाजन हुआ, एकदम जो निवेश डिवीजन हुआ है कोकोस का। यहाँ एक द्वीप है मलपेलो, उसके नाम से मलपेलो नाम की एक प्लेट बन गई जो ये रेड कलर आप देख रहे हो। उसके बाद जो नाजका प्लेट है इसमें भी छोटी छोटी माइक्रो प्लेट्स हैं कई, तो एक प्लेट है गालापागोस प्लेट जो व्हाइट कलर से आप देख रहे हो, रेड कलर है, व्हाइट कलर की बाउंड्री गालापागोस। गालापागोस द्वीप है, वो वही द्वीप है जो डार्विन का एक्स क्या था, प्रयोगात्मक स्थल था। डार्विन ने अपना संपूर्ण प्रयोग कहाँ किया, गालापागोस आइलैंड पर जो इक्वेडोर का है प्रशांत महासागर में। यहाँ अपनी जहाज बिगल से पहुंचे थे और यहाँ एक्सपेरिमेंट किया, इसके बाद ही उनका एक अमर सिद्धांत आ गया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नाजका प्लेट के दक्षिण भाग में ये जुआन फर्नांडीज, जुआन फर्नांडीज जो है द्वीप भी है, ज्वालामुखी द्वीप भी है, चिली का है, तो जुआन फर्नांडीज। ये जैसे आप देखो मलपेलो, गालापागोस, जुआन फर्नांडीज, रिवेरा, इन प्लेटों को मैप में समान रूप से नहीं दिखाया गया, हमने कोशिश की है, तो इसको आप याद करेंगे। फिर इधर आ गए हम नॉर्थ साउथ अमेरिका में, तो नॉर्थ इंडीज प्लेट है और अल्टीप्लानो प्लेट, यहां पर क्या है कैरेबियन प्लेट। दक्षिण में चले तो स्कोशिया प्लेट या स्कोटिया प्लेट अंटार्कटिका महाप्लेट के पास। अब इधर आते हैं प्रशांत में, इधर देखो यहां काफी कुछ आपको देखने को मिल रहा है, यूरेशियन प्लेट के पार्ट और इसके पार्ट। तो यहां पर ये देखो, सबसे पहले जब इधर हम आ रहे हैं इस क्रम में आगे बढ़े, स्कोटिया हो गया, ये अफ्रीकन महाप्लेट है, अफ्रीकन महाप्लेट अब डिवाइड हो रही, जो रेड कलर का ये आप देख रहे हो, रेड कलर का ये जो पार्ट आप देख रहे हो, थोड़ा सा इसको हम ब्लू से भी ले रहे हैं, ये पार्ट ये पूरी तरह से लगभग विभाजित हो गया, ये भ्रंश बना हुआ है, ये अंतः प्लेट संचलन हुआ है, उसके कारण ये सोमालिया वाला पार्ट जो है अलग हो रहा है, इसलिए सोमालियन वो प्लेट ये अलग हो रही है, क्लियर। ये पूरा का पूरा भाग क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। इसके बाद अरेबियन प्लेट बन चुकी है, वो प्लेट में जो निर्मित हो रही है तुर्की की प्लेट, पर्सिया की प्लेट, ये अपना भारत अलग हो गया। यहां जब हम आते हैं तो देखो ओकिनावा प्लेट, ओखोटस्क, पहले उत्तर में देखें ओखोटस्क प्लेट यूरेशियन प्लेट का है माइक्रो प्लेट, अमूर प्लेट, अमूर प्लेट का निर्माण नया है, चाइना प्लेट के नाम से भी जानी जाती है, इसका निर्माण पूर्ण हुआ 11 मार्च 2011 को, 11 मार्च 2011 को जापान की सुनामी आई थी। कब आई थी जापान की सुनामी, यह भी फैक्ट याद करें, 11 मार्च 2011 को जब सुनामी आई तो पूर्ण रूप से निर्मित हो गए। उसके दक्षिण में दक्षिणी पूर्वी चीन का भाग है जो अलग हो रहा है, यांगटीजे प्लेट, ये तिब्बत की प्लेट है। फिर इधर आगे प्रशांत में ही आगे, प्रशांत के पास तो ओकिनावा प्लेट, फिलीपींस प्लेट, मैरियाना प्लेट, फिर इसके बाद कैरोलाइन प्लेट, इसके बाद फिलीपींस के ठीक दक्षिण में मोलुका सागर में मोलुका प्लेट, ये बर्ड हेड प्लेट है, ये सुंडा प्लेट है, ये बांडा प्लेट है, ये मॉक प्लेट है, ये तिमोर प्लेट है, यहीं पर क्या है ये उडलार प्लेट है। तो ये छोटी छोटी माइक्रो प्लेट्स भी यहाँ है, और भी प्लेट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के जब पूरब में जाएंगे तो यहाँ पर भी प्लेट है, यहाँ पर टोंगा प्लेट है, इधर कर्माडेक है, इधर हमने इसको दिखा दिया टोंगो प्लेट या टोंगा प्लेट और कर्माडेक प्लेट। ये कर्माडेक और टोंगा ट्रेंचेज भी हैं, महासागरी खाइयां भी हैं, तो ये प्लेट्स हैं। अब इनमें देखो जो परीक्षाएं होती हैं उनमें कभी कभी प्लेट के स्थिति को पूछ दिया जाता है, कौन है कहां पर है, तो ये कोशिश की गई कि यहां मैप से आपको क्या किया जाए, दिखा दिया जाए।
एक बार और ध्यान रख लो, अब जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अंटार्कटिक प्लेट, ये बड़ी प्लेटों का विस्तार लगभग 47 से 48 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर है। 47 से 48 वर्ग किलोमीटर पर यही प्लेटें फैली हुई हैं, जबकि पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। तो ये प्लेटों की स्थिति है, क्लियर। तो इन प्लेट्स को आप देख लेंगे, कोशिश की गई है कि हर प्लेट को आपको दिखा दिया जाए तो आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा कि वास्तव में कौन कौन सी प्लेटें कौन हैं, कहां पर हैं और किस महासागर के पास है, किस महाद्वीप के पास है, और कौन सी माइक्रो प्लेट किस बड़ी प्लेट का भाग है। क्लियर।